भारत सरकार की केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग मंत्री अनुप्रिया पटेल ने केंद्र सरकार के 9 सालों पर कहा कि केंद्र की मोदी सरकार का 9 साल का सफर उपलब्धियों से भरा है। इन 9 वर्षों में भारत के अंदर फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने पर जोर दिया गया है, जिसमें हाईवे का निर्माण, मेट्रो रेल मार्ग का निर्माण, नया एयरपोर्ट और गरीब कल्याण के लिए तमाम योजनाएं चल रही हैं। उन्होंने बताया कि गरीब कल्याण के लिए जल जीवन मिशन, जनधन खाते, आयुष्मान कार्ड जैसी तमाम योजनाएं हैं, जिसमें आम जनमानस के जीवन में परिवर्तन लाया है। आज भारत की छवि विश्व पटल पर बढ़ी है और पूरी दुनिया भारत को सुनना चाहती है और दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज़ से बात करते हुए भारत सरकार की केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा, मोदी जी की सरकार के आज 9 वर्षों का जो सफर है वो उपलब्धियों से भरा हुआ रहा है। इन 9 वर्षों में हमने भारत के अंदर फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने पर जोर दिया है। चाहे हाईवेज का निर्माण हो, मेट्रो सुविधाएं हो, रेल मार्ग का निर्माण हो, नए एयरपोर्ट्स बनाने हो और तमाम योजनाएं जो गरीब कल्याण की हैं, उज्ज्वला योजना से लेकर जल जीवन मिशन, जनधन खाते और आयुष्मान भारत, ऐसी तमाम योजनाएं हैं जिन्होंने आम जनमानस के जीवन में परिवर्तन किया है। आज भारत की छवि विश्व पटल पर एक सशक्त देश के रूप में उभरी है और पूरी दुनिया आज भारत की आवाज़ को सुनने के लिए तत्पर है। ये वर्ष G20 प्रेसिडेंसी का भी है। भारत ने जिस तरीके से अपनी अर्थव्यवस्था को रफ्तार दी है, उसे 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाया है और बहुत जल्द $5 ट्रिलियन इकोनॉमी के साथ हम तीसरी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं। कभी वो समय था कि हम फ्रेजाइल 5 में हुआ करते थे, लेकिन आज दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। ये सब कुछ माननीय प्रधानमंत्री जी के साहसिक नेतृत्व और उनकी दूरदृष्टि के कारण संभव हुआ है। भारत प्रगति और एक विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में अग्रसर है और अमृतकाल में इस यात्रा को हम अंजाम तक पहुंचे।